स्टूडेंट्स, तो आज का अपना टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन के बेस पे न्यूमेरिकल्स। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उम्मीद है आपने सीखा होगा। उसी के बेस पे हम ये न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। एग्ज़ाम में कई बार इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स एक या दो नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो देख लीजिए, ये रिएक्शन दे रखी है इस क्वेश्चन में और कह रहा है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी एट टाइम टी इज दिस। ओके, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। देखो, सबसे पहले आप इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करो, वो भले रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस मेथड से हो या फिर रेट ऑफ एवरेज मेथड से। आप निकाल सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन, हम निकाल रहे हैं इसका -1/2 dA/dt = -dB/dt and = 1/3 dC/dt। ठीक है, अब देखिए जो वैल्यू यहाँ पर गिवन है उनको हम पुट कर लेंगे। रेट इज इक्वल टू, कह रहा है कि सी कंसंट्रेशन है टी टाइम के ऊपर, ये वाला मींस रिएक्शन का जो कंसंट्रेशन ऑफ सी का विद रिस्पेक्ट टू टी टाइम जो रेट दे रखा है वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे और रिएक्शन का रेट आ जाएगा क्या, 1/3 × इसकी वैल्यू कितनी है, 1.3 × 10⁻⁴। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये आएगा 4.33 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स। ओके, सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो रिएक्शन का रेट आपका कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए बताइए। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, देखिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए का मीन्स है इसी इक्वेशन में -1/2 dA/dt मीन्स -dA/dt इज कॉल्ड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ठीक है, अब ये किसके इक्वल है, -dB/dt and = 1/3 dC/dt। हमने इसके वैल्यू कैलकुलेट कर चुके थे हम इसके, तो -1/2 dA/dt = कितनी वैल्यू आई थी इसकी, 4.33 × 10⁻⁵। तो यहाँ से dA/dt माइनस लगाओगे तो इसका मतलब हो जाएगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू 4.33 × 2 × 10⁻⁵ एंड दिस विल बी इक्वल टू 8.66 × 10⁻⁵ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। एक बार फिर से देख लीजिए, इस क्वेश्चन में 2A + B = 3C एक इक्वेशन दे रखी है, रिएक्शन दे रखी है, कह रहा है कि C की कंसंट्रेशन दे रखी है T टाइम पे इतनी। मीन्स ये क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन किसका, कंसंट्रेशन C का कितना है, ये है 1.3 × 10⁻⁴। इसकी वैल्यू गिवन है, कह रहा कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस रिगार्डिंग टू ए कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ रिएक्शन वो कैलकुलेट करना है। तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन का हमने इस प्रकार फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है, इंस्टेंटेनियस मेथड से। ओके, -dA/dt क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ठीक है, और dC/dt की वैल्यू गिवन थी यहाँ पर 4.33 × 10⁻⁵ जो हमने कैलकुलेट की थी 1/3 से मल्टीप्लाई करके। ओके, तो ये वाली वैल्यू आ गई और इस प्रकार dA/dt की वैल्यू आ जाएगी, 2 डिवाइड में था 2 मल्टीप्लाई में चला गया। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल और है वो और आप देख लीजिए। देखिए इस न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है भाई, इस न्यूमेरिकल में बोल रहा है कि 2A + 4B + C गैसियस फेस में अक्कर हो रही है, क्लोज वेसल के अंदर ये एक रिएक्शन, द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज फाउंड टू इंक्रीज बाय 5 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स इन 10 सेकंड। कह रहा है कि जो बी की कंसंट्रेशन है वो 5 × 10⁻³ वेसल के अंदर बढ़ जाती है 10 सेकंड में। तो कैलकुलेट क्या करना है आपको, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए सॉरी बी एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल उसी मेथड से हम इस इक्वेशन का क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले इंस्टेंटेनियस मेथड से रिएक्शन का रेट, रेट इज इक्वल टू आएगा -1/2 dA/dt and = 1/4 dB/dt and = dC/dt। यहां पर हम माइनस लगा चुके हैं, यहां माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट है, ठीक है,
और ये भी प्रोडक्ट में है। अगर आप इस इक्वेशन को इस साइड से लिखते हो, इसको रिएक्टेंट, इसको प्रोडक्ट मानते हो, तब ये वाले माइनस हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, अभी ये इक्वेशन हो गई। अब जो गिवन वैल्यू है वो हम पुट करेंगे यहाँ पर और अपना रिजल्ट निकालेंगे। ये कह रहा है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी निकालना है। ठीक है, तो देखिए डी बी बाई डी टी, ये रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी हो गया। कितनी वैल्यू दे रखी है, ये 5 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 3 डिवाइड बाई कितना 10। टाइम कितना दे रखा है 10, और कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है बी की, ये वाली। तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, मोल लेटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो इस प्रकार डी बी बाई डी टी आ जाएगा आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पार्ट दे रखा कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ये कैसे सॉल्व करोगे। देखिए डिसअपीयरेंस ऑफ ए कौन सा हो जाएगा, ये माइनस डी ए बाई डी टी। तो माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू, बी की वैल्यू हमने अभी अभी सोल्व की है, तो ये हो जाएगा 1 बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 10 पावर माइनस 4। क्लियर, और 1 बाई 2 इसके मल्टीप्लाई में है, तो उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इसको अगर आप सोल्व करते हो तो फिर जो आपका रिजल्ट आएगा वही क्या होगा, 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 4। तो ये आपका रिजल्ट आ गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो नेक्स्ट आर्टिकल आप देख लीजिए, नेक्स्ट आर्टिकल अपना होगा क्या, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन पे जो न्यूमेरिकल्स है बड़े इजी न्यूमेरिकल होते हैं, और इंस्टेंटेनियस मेथड से या एवरेज रेट से आप उनको सोल्व कर सकते हो। और भी आप अपने एनसीईआरटी बुक में जो न्यूमेरिकल्स आपको नहीं आए वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, तो देखिए फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, देखिए रेट ऑफ रिएक्शंस को वो कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे। सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, सेकेंड फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो भी अफेक्ट करती है रेट ऑफ रिएक्शन को। थर्ड है सरफेस एरिया, ठीक है सरफेस एरिया। फोर्थ फैक्टर होगा प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, और फिफ्थ फैक्टर होगा टेम्परेचर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेम्परेचर। तो ये पांच फैक्टर हैं जो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो देखिए रिएक्टेंट की जो नेचर होती है वो रियली रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करती है। कैसे सर, अगर आपका रिएक्टेंट सॉलिड है तो रिएक्शन का जो रेट होगा बिल्कुल क्या होगा, स्लो होगा, और अगर लिक्विड है तो और फास्ट होगा, और गैस है तो और भी ज़्यादा फास्ट होगा। बिकॉज गैसियस मीडियम में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, वीक बन जाता है। वीकर द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, याद रख लोगे। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे कैसे डिपेंड करता है भाई, अगर आपका रिएक्टेंट का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो उतना ही रिएक्शन का रेट क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और सॉलिड से गैस तक रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता जाएगा, इंक्रीज। ठीक है सर, नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखिए रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसकी जो नेचर है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट वो कैसा है, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 2NO+O2 दैट गिव्स NO2। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने लिया 2CO+O2 दैट गिव्स 2CO2। मैंने ये दो एलिमेंट्री रिएक्शन का एग्जाम्पल लिया। इस रिएक्शन में आप देख सकते हो कि ये वाली रिएक्शन क्या होती है बेटे, फास्ट, और ये वाली रिएक्शन क्या होती है, स्लो। अब ये फास्ट क्यों है सर, क्योंकि N और O के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीक, और यहां पर क्या है, C और O के बीच में बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग, इसलिए ये रिएक्शन क्या हो गई, स्लो, और ये क्या हो गई, फास्ट। तो इस प्रकार रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उस पर भी अफेक्ट किया जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है सरफेस एरिया। देखिए सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतने ही रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल इजिली म्यूचुअली कोलाइड करेंगे, और जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट अगर ज्यादा बनेगा तो रिएक्शन का रेट क्या कर जाएगा, इंक्रीज। आई रिपीट अगेन, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, एग्जाम्पल ले लीजिए पाउडर जो
coal powder is quickly burnt than compare than it's a lamp. ठीक है, means कार्बन की जो बिग एक क्रिस्टल फॉर्म होगी उसकी बजाय कार्बन का पाउडर जो है वो जल्दी क्या है बंट किया जाता है, बंट हो जाता है, बिकॉज उस सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से हर पार्टिकल अपने आप में क्या हो गया कॉन्टैक्ट में आ गया और यहां पर वो कनेक्शन हो नहीं पाता. तो ग्रेटर द सरफेस एरिया फास्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, सरफेस एरिया बताया, उसके बाद में आता है कैटलिस्ट. कैटलिस्ट तो आपको पता ही है, कैटलिस्ट मैंने आपको पहले बताया था कि कैटलिस्ट आर द सब्सटेंस विच इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, और रिएक्शन की अगर स्पीड बढ़ेगी तो रिएक्शन का रेट भी क्या करेगा इंक्रीज करेगा. ठीक है, कैटलिस्ट. अब कैटलिस्ट भी दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट. पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करेगा, वाइल नेगेटिव कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को क्या करेगा डिक्रीज करेगा. टेम्परेचर और देख लीजिए, टेम्परेचर में क्या होता है, टेम्परेचर में जो साइंटिस्ट आया था वो था आरिहेनियस. ठीक है, आरिहेनियस का एक स्पेशल टॉपिक है बेटा, आरिहेनियस इक्वेशन, जो अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा. टेम्परेचर का फैक्टर है वो, फिलहाल आप देख लीजिए क्या. इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइजिंग इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन अप्रोक्सीमेटली डबल. ठीक है, रिएक्शन का जो रेट है वो डबल हो जाता है हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से. 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो रिएक्शन का रेट क्या कर जाएगा डबल कर जाएगा. अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, ये एक प्रैक्टिकली मेजर किया गया, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बनेगा वीक बनेगा, बॉन्ड इजिली क्या होंगे ब्रेक डाउन होंगे, इसलिए रिएक्शन का रेट क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन को प्रभावित करने वाले वो कौन कौन से फैक्टर हैं. पहला फैक्टर बेटा नेचर ऑफ रिएक्टेंट, अगर रिएक्टेंट की नेचर आपकी जितनी ज़्यादा वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली होगी उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा जो सॉलिड से लेकर गैस में ज़्यादा होता है. कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो भी देखी जाती है, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज करेगी और रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करेगा इंक्रीज करेगा. नेक्स्ट है कैटलिस्ट, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी ही रिएक्शन की स्पीड क्या होगी इंक्रीज होगी, उतनी प्रोडक्ट की यील्ड क्या बनेगी मैक्सिमम बनेगी. ठीक है, आप देख भी सकते हो कि मैंने एग्जांपल दिया आपको कि एक कोयले के पाउडर को जलाया जाए तो वो जल्दी जलेगा बजाय कि उसके क्रिस्टल फॉर्म में. ठीक है, एक यूनिट आती है आपके 12th में एडजॉर्प्शन, उसमें क्वेश्चन आता है कि व्हाई इज द एडजॉर्प्शन मोर इन केस ऑफ पाउडर फॉर्म ऑफ कार्बन देन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म. तो क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से पाउडर फॉर्म पे एडजॉर्प्शन क्या होगा ज्यादा, रिएक्शन क्या होगी इंक्रीज करेगी और रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या कर जाएगा इंक्रीज. ओके, कैटलिस्ट मैंने आपको बता दिया कि दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है रिएक्शन का रेट को इंक्रीज करेगा, नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा रिएक्शन का रेट को डिक्रीज करेगा. टेम्परेचर की बात की जाए तो आरिहेनियस के अकॉर्डिंग इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ रिएक्शन बिकेम डबल फॉर एवरी राइजिंग इन 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. ओके, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है डबल हो जाता है. ठीक है, उसके बाद में कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है रेट ऑफ रिएक्शन की, तो वो आप देख लीजिए. देखिए, मान लीजिए मैंने यहां पर लिया बेटे टाइम और यहां लिया कंसंट्रेशन. ठीक है, ये आपका हो गया भाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन है और टाइम है. तो देखिए, टाइम अगर बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन आपकी क्या होगी डिक्रीज होगी. क्लियर, किस केस में सर, रिएक्टेंट के केस में. ओके, प्रोडक्ट के केस में क्या करेगा, प्रोडक्ट के केस में इस प्रकार ग्राफ चला जाएगा आपका. ठीक है, क्लियर. अगर आप स्लोप निकालते हो यहां पर तो स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है भाई टेंजेंट थीटा. ठीक है, मींस कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम, डीसी डिवाइड बाय डीटी. ठीक है, ऐसे स्लोप इसका आ जाएगा माइनस डीसी बाय डीटी. क्लियर, तो इस प्रकार आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को भी जस्ट देख सकते हो. और देखिए, मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसा आ गया, एक ग्राफ मैंने कंसीडर कर लिया इस प्रकार. ठीक है,
ये, और इस प्रकार ग्राफ आ गया, ठीक है। ये ग्राफ हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ओके। और यहां से क्वेश्चन कर दिया क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन और वैल्यू गिवन क्या है इसमें, यहां पर दे रखिए भाई 2, 14, 6 एंड 10। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी पूछ सकते हैं, या ये पूछ लेगा